नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे फार्मेसी स्टडी चैनल में स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बफर सॉल्यूशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो मिलेंगी जो कि डी फॉर्म फर्स्ट ईयर और डी फॉर्म सेकेंड ईयर के लिए इम्पॉर्टेंट होंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिए, स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले देखते हैं बफर सॉल्यूशन क्या होता है। द सोल्यूशन विच रिसर्च चेंज इन पी एच नोन एज बफर सोल्यूशन, मतलब वो सोल्यूशन जो पी एच में थोड़ा बहुत चेंज करे उसको हम बफर सोल्यूशन बोलते हैं। दिस सोल्यूशन हैव नो सिग्निफिकेंट चेंज इन पी एच ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऑन बेस। और ये जो सोल्यूशन होता है दोस्तों, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है थोड़ा बहुत एसिड और बेस ऐड करने से। टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन हमारे दो तरह के होते हैं। एक होता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन और एक होता है बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो आप लोग समझ लीजिए एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है। एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड। वीक एसिड का मिक्सचर CH3COOH एंड इट्स साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। और इसका साल्ट दो होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होगा, CH3COONA, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये इसका मिक्सचर ही दोस्तों एसिडिक बफर सॉल्यूशन कहलाएगा। बेसिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है, मिक्सचर ऑफ वीक बेस, ये वीक बेस है एंड इट्स साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। और जो इसका साल्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होगा, अमोनियम क्लोराइड। तो इसका मिक्सचर क्या कहलाएगा, बेसिक बफर सॉल्यूशन। उसके बाद में हम इसमें देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो नंबर वन, पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन रिमेंस कांस्टेंट ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर कोई बफर सॉल्यूशन है तो वो कांस्टेंट रहना चाहिए जब हम उसमें थोड़ी सी मात्रा में एसिड और बेस मिलाएं, वो चेंज नहीं होना चाहिए। पीएच ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन पर उसका सॉल्यूशन चेंज नहीं होना चाहिए। पीएच का जो भी है, पीएच सॉल्यूशन का पीएच चेंज नहीं होना चाहिए। पीएच डज नॉट चेंज ऑन कीपिंग फॉर लॉन्ग टाइम, और लंबे समय तक सॉल्यूशन को रखने से, बफर सॉल्यूशन को रखने से उसका पीएच नहीं बदलना चाहिए। तो ये दोस्तों हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नए टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।